नमस्कार, मैं सुरेश मीणा से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के अंदर सरल मापन के एक अन्य उदाहरण को हल कर करेंगे। सवाल है, 1:7920 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें फरलांग व गज पढ़े जा सके। चूंकि ये ब्रिटिश माप पद्धति का सवाल है, इसका अर्थ होगा मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 7920 इंच के बराबर है। इसको फरलांग तब्दील करेंगे तो हम इसको हल करते हैं। मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर है 7920 इंच, या इस 7920 को एक फरलांग में तब्दील करने के लिए एक फरलांग में जितने इंच होते हैं उसका भाग दिया जाएगा। तो एक फरलांग में इंच होते हैं 7920 बराबर आ गया एक फरलांग, यानी मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 7920 इंच के बराबर है या एक फरलांग के बराबर है। एक इंच की एक फरलांग में भी 7920 इंच होता है, अतः मानचित्र पर 6 इंच मापनी की लंबाई हम रख रहे हैं 6 इंच, अतः माप में मानचित्र पर 6 इंच धरातल पर होंगे। छह को एक फरलांग से गुणा किया बराबर हो गया 6 फरलांग। हम जो मापनी बनाएंगे उसकी लंबाई रखेंगे 6 इंच और जो कि धरातल पर 6 फरलांग को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, इसका हम गण करते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, हमारी मापनी थी 1:7920 इंच, इसमें आपको फरलांग पढ़ना था। इसका अर्थ था मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 7920 इंच के बराबर है या मानचित्र पर 1 इंच धरातल पर 1 फरलांग के बराबर है। अतः हम जो 6 इंच लंबी जो मापनी बना रहे हैं वो धरातल पर 6 फरलांग को प्रदर्शित करेगी। मापनी बनाना शुरू करते हैं। इसकी लंबाई है 6 इंच टोटल, यहां से यहां तक 6 फरलांग दर्शाने हैं। तो पहले एक को छोड़ के भी जीरो लिखा जाता है, इसे 6 बार कर देते हैं। 1, 2, 6 बार किए हमने, प्रत्येक बार 1 फरलांग को दर्शाएगा। 1 फरलांग, 2 फरलांग, 3 फरलांग, 4 फरलांग और 5 फरलांग। यहां से अब 1 फरलांग है, 1 फरलांग में 220 गज होते हैं तो हम इसको 220 गज दर्शा देंगे। इसको 2 बार को मार देते हैं, 110 और 220। चाहे तो हम 4 भागों मार सकते हैं, 55, 110 और 220। इसको हम इस तरह से हल न करके अगर हम दूसरे तरीके से हम हल करने का प्रयास करेंगे तो इसको दूसरे तरीके से इस तरह से हल किया जा सकता है। हमने 6 इंच लंबी रेखा खींची जो कितने फरलांग बताई, 6 फरलांग। पहले हमने इसके 6 भाग किए थे, हम इसके चाहे तो 3 भाग कर सकते हैं। 3 भाग करेंगे तो प्रत्येक भाग 2 फरलांग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो हम इसके 3 भाग कर सकते हैं, टोटल 6 फरलांग है। 1 को छोड़ के लिखा 0, प्रत्येक भाग 2 फरलांग को दर्शा रहा है तो ये 2 फरलांग 4 फरलांग है। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं तो यहां से यहां तक 2 फरलांग है तो 2 फरलांग में 440 गज। इसे हम 2 भागों मार देते हैं, 220 और 440। आप चाहे 4 भागों मार दीजिए, हम चाहे और 10 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग 44 गज को प्रकट करेगा। इस तरह से हमारा सरल मापने वाला सवाल क्लियर होता है। इसी के अंदर अगर सवाल में इस तरह से कहा जाए आपको कि आपको इसमें 3 फरलांग और 55 गज पढ़ना है आपको, ठीक है, तो हम इसका तरीका ये होगा, मापनी बनाई हमने,
यहां से छह फरलांग से छह भाग किए हमने, एक दो तीन चार पांच और छह भाग किए। प्रत्येक भाग भाग बता रहा है एक फरलांग, जीरो को छोड़ के लिखा, एक फरलांग, दो फरलांग, तीन फरलांग, चार फरलांग और पांच फरलांग। यहां से यहां एक फरलांग है, एक फरलांग होते हैं 220 गज। सवाल में है कि अगर आप बात जैसे सवाल में आपसे पूछा जाता है कि आपको तीन फरलांग और 55 गज पढ़ना है, दो भाग करेंगे तो इसमें 110 और 220 गज हो जाएगा। इसको हम चार भागों में बांट देते हैं, 55, 110, 165 और 220 गज। ठीक है, हम इसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर है तीन फरलांग और यहाँ पर है 55 गज। हम तो यहां लिख देंगे हम तीन फरलांग 55 गज। ये पढ़ने का तरीका होता है। इसी तरीके से हम इसमें अगर दूसरे आपसे मान लीजिए किलोमीटर मापनी बनाना चाहे और उसमें कुछ पढ़ने के लिए बोले तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सामान्यतः क्या करते हैं कि जो सेंटीमीटर में जो मापनी बनाते हैं उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर रखते हैं। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि 16 सेंटीमीटर रखा जाए, लेकिन जो कागज का आकार होता है ना, जो ड्राइंग शीट होती है प्रैक्टिकल वाली, उसका आकार के साथ 16 सेंटीमीटर में ज्यादा छोटा होता है ना ज्यादा बड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए हमने सर मापनी 16 सेंटीमीटर वाली बनाई, इसकी मापनी मान लीजिए 1:1,00,000 है, तो यहां से यहां 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर है, यानी अगर इसको हम किलोमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर, तो 16 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर। अब 16 किलोमीटर को आपको मान लीजिए 8 भाग में बांटना है, तो प्रत्येक भाग बताएगा 2 किलोमीटर, हम इसे 8 भागों में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बराबर भागों में 8 भाग में बांट दिया, प्रत्येक भाग बता रहा है 2 किलोमीटर। हम यहां लिख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16 किलोमीटर। यहाँ पर 2 किलोमीटर यहाँ पर आ जाता है, ये भी किलोमीटर हो गया, यहाँ भी किलोमीटर। ठीक है, चाहे तो हम इसकी बाई तरफ इसको हेक्टामीटर में पढ़ सकते हैं। यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में हो गए 20 हेक्टामीटर। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से यहाँ 20 हेक्टामीटर बताएंगे तो वो भी दर्शाया जा सकता है। इसी सवाल में अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इसमें टोटल आप इसको दो भागों मान देते हैं 1 और 2 किलोमीटर। अब इस सवाल में मान लीजिए हमें 13 किलोमीटर पढ़ना है, 13 किलोमीटर तो कैसे पढ़ेंगे, 12 किलोमीटर हमारे यहाँ से कर 1 किलोमीटर यहाँ से ले लीजिए, तो टोटल हो गया ये 13 किलोमीटर। और बाई के सवाल में ये कहा जाता है कि आपको 8 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर पढ़ना है, तो इसका पढ़ने का तरीका इस तरह से होगा, इधर की तरफ हमने किलोमीटर पढ़ लिया, इधर अब हेक्टामीटर पढ़ेंगे। यहां से यहां 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर होंगे 20 हेक्टामीटर, तो ये 10 हेक्टामीटर 20 हेक्टामीटर यानी हेक्टामीटर। अब सवाल में है कि आपको 8 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर पढ़ना है, तो हम इसके 4 भाग कर देंगे, 5, 10, 15 और 20, और आराम से पढ़ सकते हैं। यहां पर ये 8 किलोमीटर आ गया यहाँ पर, और यहां पर आ गया 5 हेक्टामीटर। यहां लिख देंगे हम 8 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर। इस तरह से हमारा सर सवाल क्लियर होता है। धन्यवाद।